तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो थिन एक्टिन फिलामेंट है वहां पे एक्टिव साइट्स अनकवर हो गई हैं। ये एक्टिव साइट्स वही हैं जहां पे हेड जो होता है मायोसिन के, जो हेड होता है वो ज्वाइन होके और क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। अब मायोसिन फिलामेंट में क्या इवेंट हो रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मायोसिन फिलामेंट जो है ये एट द टाइम ऑफ रेस्ट है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ठीक है, तो ये रेस्ट के टाइम में बनाया है। अब क्या होता है कि ये जो हेड होता है यहां पे एक्टिव साइट होती है और ये क्या होता है यहां इसकी जो हेड पे जो एक्टिव साइट्स होती हैं वहां पे क्या होता है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स जॉइन होता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्टिव साइट्स रहती हैं हेड्स पे और वहां पे क्या होता है मायोसिन में एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है अटैच होता है और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, मायोसिन एटीपेज कहते हैं इसे, मायोसिन एटीपेज के द्वारा ये रिएक्शन जो है ये कैटालाइज होती है और एटीपी से जो है एडीपी बनाया जाता है और एनर्जी फॉर्म की जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो मायोसिन के हेड हैं वो एनर्जी को लेके हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं और स्ट्रेटेन हो जाते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटेन्ड होने के कारण वो क्या होते हैं जो एक्टिव साइट्स होती हैं थिन फिलामेंट्स में एक्टिन्स में उससे ये जॉइन हो जाते हैं, क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं और फिर क्या होता है कि फिर से जब ये एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं तो फिर से जो इसके हेड हैं वो लो एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं और क्या होता है कि लो एनर्जी स्टेट में आने के कारण यहां पे जो इससे जुड़े हुए हैं एक्टिन, एक्टिन जो इससे जुड़ा हुआ है वो क्या होता है आगे की तरफ सेंटर की तरफ वो आ जाता है थिन फिलामेंट, और इस प्रकार स्लाइडिंग के कारण जब ये रिपीटेटिवली सारे मसल फाइबर्स में, सारे मायोफिलामेंट्स में जब ये प्रोसेस होती है तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, यहां पे हम समझेंगे कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, ये लो एनर्जी स्टेट दिखाया, रेस्टिंग स्टेज दिखा रही हूं मैं। ठीक है, ठीक, और यहां पे क्या है मीरोमायोसिन, यहां पे है थिन फिलामेंट्स। ठीक है, अभी यहां पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब जब एटीपीस ले लिया तो हेड स्ट्रेटेन हो गया है। ठीक है, ठीक है, और उसने क्या किया है क्रॉस ब्रिज बना लिया है किसके साथ, थिन फिलामेंट्स के साथ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पे एटीपेज जो है एटीपीज यूज हो रहे हैं, यूटिलाइज्ड। यूटिलाइजिंग मायोसिन हेड इन
हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब, ठीक है, और यहां पे भी, यहां पे क्या है, नो क्रॉस ब्रिज फॉर्म्ड। ठीक, यहां पे क्रॉस ब्रिज जो है वो बन गया है। ठीक है, ठीक, अब क्या हो रहा है कि जो मायोसिन का हेड है उसने एटीपीज को यूटिलाइज कर लिया है और एनर्जी को भी यूटिलाइज कर लिया और वापस वो लो एनर्जी स्टेट में आ गया है। तो यहां क्या हो रहा है कि जो उसका हेड था वो वापस लो एनर्जी स्टेट में आ गया और उसके कारण उसने क्या किया कि जो एक्टिन फिलामेंट्स के साथ वो अटैच्ड था उसे उसने आगे की तरफ, सेंटर की तरफ स्लाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, बिकॉज क्रॉस ब्रिज जो है वो इस पोजीशन में भी, इस स्टेट में भी फॉर्म है। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैसे जो है वो एक्चुअली जो है ये हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बायोकेमिकल इवेंट है उसने क्या किया, मैकेनिकल इवेंट को जो है इसने परफॉर्म कराया। कैसे परफॉर्म कराया कि जो इसका हेड होता है जब वो हाई एनर्जी स्टेट में होता है तो वो क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेता है एक्टिन फिलामेंट से और जब, और वहां पे उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाता है, वो जुड़े हुए रहते हैं और इसलिए जब मायोसिन हेड जो है लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, उसे स्लाइड करवा देता है और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहां पे जो है ये जो थिन फिलामेंट था वो यहां की तरफ, सेंटर की तरफ जो है मूव कर गया है और इस प्रकार जब ये प्रोसेस पूरे मायोफिलामेंट्स में, पूरी मसल फाइबर्स के फिलामेंट्स में जब ये प्रोसेस होती है, रिपीटेटिवली जब ये होती है तो ये क्या कराती है, पूरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट में आपको मैं शो करूंगी कि कैसे हमारी पूरी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, यदि ये आप याद रखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इट इज अ स्लाइडिंग थ्योरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्लाइडिंग थ्योरी जो थी वो ए हैक्सले ने और आर नीदरजर्क ने दी थी और उन्होंने कहा था कि फिलामेंट्स श्रिंक नहीं होते जबकि स्लाइड होते हैं और उस स्लाइडिंग के द्वारा ही जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल इवेंट जो होता है ये भी थ्योरी जो है एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई। ठीक है, और वो साइंटिस्ट का नाम है अल्बर्ट जैंट ग्योर्गी। ठीक है, ग्योर्गी, ओके, ये जो थे ये हंगेरियन बायोकेमिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, हंगेरियन बायोकेमिस्ट ऑफ यूएस। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये इस प्रकार का बायोकेमिकल इवेंट होता है जिसके कारण जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाती हैं। ठीक है, अब हम फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक, ओके, तो अब हम जो ये बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन में हो रहे थे उन्हें हम समझेंगे फ्लो चार्ट में। ठीक है,
तो सबसे पहले जो था मैंने आपको बताया कि कैसे नर्व इंपल्स के द्वारा, ठीक है, न्यूरॉन के द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा इंपल्स जनरेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आई, नर्व इंपल्स। उसने क्या किया, एसिटिल कोलाइन जो था रिलीज किया। ठीक है, एसिटिल कोलाइन ने क्या किया, सार्कोलेमा में क्या किया, डीपोलराइज किया। कैसे डीपोलराइज किया, कि उसने सोडियम आयन के लिए सार्कोलेमा को ज्यादा परमिएबल बनाया और उसने क्या किया, सार्कोलेमा को डीपोलराइज किया। ठीक, सार्कोलेमा के डीपोलराइज होने के कारण क्या जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल। और ये एक्शन पोटेंशियल जो था जब मसल फाइबर्स में पहुंचा तो उसने क्या किया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज कराया। ठीक, कैल्शियम रिलीज होने के कारण कैल्शियम ने क्या किया, कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन में जो था कैल्शियम बाइंड हुआ और उसने क्या किया, अनकवर किया किसे, एक्टिव साइट को, अनकवर द एक्टिव साइट। अब अनकवर हो गई साइट, साथ ही साथ क्या हो रहा है, मायोसिन हैड एटीपीज जॉइन, एटीपीज जॉइंड टू मायोसिन हैड, और मायोसिन एटीपेज एंजाइम के द्वारा ये जो प्रोसेस थी ये कैटालाइज हुई मायोसिन एटीपेज। और उसने क्या किया, हाई एनर्जी स्टेट मिला दिया, हाई एनर्जी स्टेट किसे, मायोसिन हैड की हाई एनर्जी स्टेट आ गई, जस्ट बिकॉज दे यूटिलाइज द एटीपी की एनर्जी थी जो थी उसको यूटिलाइज किया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जब एटीपी से एनर्जी जनरेट होती है तो पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं की जाती मायोसिन के द्वारा, थोड़ी ही एनर्जी मायोसिन जो है यूटिलाइज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बाकी जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है और हीट जनरेट करती है। ठीक है, ठीक, हाई एनर्जी स्टेट में जब मायोसिन हैड आ गए तो मायोसिन हैड ने क्या किया, दे फॉर्म्ड क्रॉस ब्रिजेस, क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया किसके साथ, विद एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया। और उसने क्या किया, फिर एनर्जी यूटिलाइज्ड एंड मायोसिन हैड इन लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट में आ गए वापस मायोसिन हैड जो थे। और क्या हो रहा है कि उसने क्या किया, मायोसिन हैड लो एनर्जी में स्टेट में आ गए और उसने एक्टिन फिलामेंट को सेंटर में थोड़ा स्लाइड किया। अब रिपीटेटिवली क्या हो रहा है, मायोसिन हैड क्लीविंग एटीपीज, एटीपीज को यूटिलाइज करके एंड रिपीटेटिवली ये जो एक्शन थी, ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, ये रिपीटेटिवली मायोसिन हेड में हो रही है कि मायोसिन हेड एटीपीज लेते हैं, हेड उसका स्ट्रेटन हो जाता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है, फिर वापस लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है। ये रिपीटेटिवली ये प्रोसेस होती है एंड
और क्या हो रहा है, जब रिपीटेटिवली ये प्रोसेस होती है तो ये क्या करते हैं, स्लाइड कराते हैं, किसको, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट टू सेंटर। ठीक है, जब ये रिपीटेटिवली प्रोसेस होती है तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो सेंटर में आ जाते हैं, और सिमिलर प्रोसेस इन ऑल, सिमिलर प्रोसेस इन ऑल द फाइबर्स, व्हाट इट कॉजेस, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक और चीज जानने योग्य है कि ठीक है, ओके, फाइन। यहां पे जब मायोसिन हैड लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वो क्या होता है, फिर से एक एटीपी मॉलिक्यूल्स से ज्वाइन होता है, और वहां पे क्या होता है, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, मायोसिन हैड यूटिलाइज्ड एटीपी मॉलिक्यूल अगेन एंड डिटेचेस फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो ये बात बहुत ही समझने योग्य है कि क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने के बाद क्या होता है, कि क्रॉस ब्रिज जब फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे जो है, जो एक्टिव साइट्स हैं, जब इससे, ठीक है, यहां पे मैं आपको फॉर्म करके बताती हूँ कि ये जो हेड था, ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है किससे, एक्टिन मॉलिक्यूल से, एक्टिन फिलामेंट से, तो क्या होता है, जब ये लो एनर्जी स्टेट में आता है मायोसिन का हेड, ठीक है, तो वो स्लाइड कर देता है, ऑफ कोर्स सेंटर में, ये हमने समझा, लेकिन जो इसका हेड होता है उसे डिटैच होने के लिए भी एटीपीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, बिना एटीपीज को यूटिलाइज किए वो डिटेच नहीं हो पाता, किससे, एक्टिन फिलामेंट से। ठीक है, तो जब ये एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज करता है तभी ये क्या होता है, इससे डिटेच हो पाता है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस हो रही है उसमें एनर्जी का बहुत ही ज्यादा योगदान है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि जब हाई एनर्जी स्टेट में आता है मायोसिन तभी वो स्ट्रेटन होता है हेड, और उसे जो क्रॉस ब्रिज है उसे तोड़ने के लिए, वहां से डिटेच होने के लिए भी एटीपी की जरूरत होती है। इसलिए क्या होता है कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो आपने सुना होगा कि उसकी बॉडी कड़क हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी बॉडी जो है जिस भी पोजीशन में रहती है डेथ के बाद, उसमें क्या होता है कि वो उस स्थिति में, उस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्शन तो हो जाता है मसल में, ठीक है, उस स्थिति में जो है जब तक एटीपीज रहते हैं बॉडी में तब तक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन जब ऑफ कोर्स डेथ के बाद जब एटीपीज नहीं रहते, एनर्जी नहीं बन पाती है, एनर्जी ऑफ कोर्स हमने देखा कैसे बनती है, ऑक्सीजन की यूटिलाइज के द्वारा बनती है, और जब ये ऑक्सीजन नहीं मिलता, जब एटीपीज नहीं मिलते हमारी बॉडी में, जब डेथ हो जाती है पर्सन की और उसे एटीपीज नहीं मिलते, तो उसकी जो मसल्स है वो उसी पोजीशन में रह जाती है जिस वक्त वो डेथ के वक्त थी, और उस स्थिति को राइगर मोर्टिस बोलते हैं, कि जो मसल्स जो है वो हार्ड स्टिफ हो जाती है और उसकी बॉडी जो है वो कड़क हो जाती है। ठीक है, उस पोजीशन, उस
स्थिति को राइगर मोर्टिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस कारण होता है क्योंकि डेथ बॉडी जो है उसमें एटीपीज नहीं होते और इसलिए ये जो हेड है वो डिटेच नहीं हो पाते मायोसिन के एक्टिन से और इसलिए बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन में ही बनी रहती है, ठीक। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप याद रखें, व्हाट इज राइगर मोर्टिस, ठीक। डेथ के बाद का फिनोमिना है ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइगर मोर्टिस की एक कुछ पर्टिकुलर जो है आर्स रहते हैं कि जब ये राइगर मोर्टिस अपीयर होता है डेथ बॉडी में और ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है क्योंकि राइगर मोर्टिस यदि प्रोड्यूस हो गया है बॉडी में तो उसे देखकर जो डॉक्टर्स हैं वो पता लगा पाते हैं कि डेथ कितनी घंटे पहले जो है पर्सन की हुई है। तो ये फॉरेंसिक मेडिसिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है राइगर मोर्टिस, ठीक। ओके, तो यहां पे हमने देखा कैसे जो इवेंट्स हैं बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले नर्व इंपल्स आई, मोटर न्यूरॉन ने इंपल्स जनरेट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए और एसिटिल कोलाइन सिक्रीट किया। एसिटिल कोलाइन ने सार्कोलेमा को जो है सोडियम आयन के लिए परमिएबल बनाया और उसे डीपोलराइज किया और ये कहलाया एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल जो है मसल फाइबर्स में गया और वहां पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उन्होंने कैल्शियम रिलीज किया। ये कैल्शियम जो था ये ट्रोपोमायोसिन में कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो गया और उसने क्या किया, चेंज किया किसमें, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन में जो है कुछ चेंजेस किए जिसके कारण जो एक्टिव साइट्स थी एक्टिन फिलामेंट पे वो अनकवर हो गई और उस साइट के अनकवर होने के बाद के साथ ही क्या हुआ कि मायोसिन हेड ने एटीपीस जो है उन्हें यूटिलाइज किया, एनर्जी प्रोड्यूस की और मायोसिन हेड हाई एनर्जी स्टेट में आ गए और जो है स्ट्रेटेंड हो गए और उन्होंने एक्टिव साइट्स जो थी उससे जुड़ के क्रॉस ब्रिजेस बना लिए। क्रॉस ब्रिजेस बनाने के बाद जो है मायोसिन वापस लो एनर्जी स्टेट में आ गए और उसके कारण जो है एक्टिन फिलामेंट सेंटर में आ गए, स्लाइड हो गए। अब हेड ने क्या किया, वापस मायोसिन हेड ने एटीपी यूटिलाइज किया और डिटेच हो गया एक्टिन फिलामेंट से। जब बार बार ये जो प्रोसेस थी बार बार हुई, क्या किया मायोसिन फिलामेंट ने रिपीटेटिवली एटीपीस को यूज किया, रिपीटेटिवली जो है स्ट्रेटेन हुआ और वापस जो है लो एनर्जी स्टेट में आया और इस प्रक्रिया के बार बार होने के कारण एक्टिन फिलामेंट सेंटर की तरफ जो है स्लाइड होने लगा। जब ये सिमिलर प्रोसेस सारे फाइबर्स में हुई तो इन्होंने क्या किया, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराया, ठीक। अब ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये सारी प्रोसेस है तो रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ प्रोसेस होंगी क्योंकि मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट हाई कॉन्ट्रैक्शन में तो नहीं रह सकती, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि मसल्स में एक टाइम पे कुछ फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कुछ रिलैक्स होते जाते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे होती जाती है जिससे कि सारे मसल फाइबर जो है वो रेस्ट भी कर पाते हैं और काम भी कर पाते हैं, ठीक है। तो अब रिलैक्सेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो रिलैक्सेशन कैसे होता है, जो एसिटिल कोलाइन रहता है जब वो सार्कोलेमा में सिक्रीट होता है तो सार्कोलेमा में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज, ठीक है, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज। और ये एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है एसिटिल कोलाइन को और एसिटिल कोलाइन को जब ये हाइड्रोलाइज कर देता है तो ये सार्कोलेमा पे ज्यादा वर्क नहीं कर पाता, उसे परमिएबल नहीं कर पाता और इस प्रकार जो है सार्कोलेमा फिर से क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, ठीक। ठीक है, और वापस किस में आ जाती है, रेस्टिंग पोटेंशियल में,
ठीक है। क्या होता है कि जैसे आपको मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, तो रिलैक्सेशन किस तरह हो रहा है कि जो ये एसिटिल कोलाइन होता है, एसिटिल कोलाइन एस्टरेज रहता है किसमें, सार्कोलेमा में। ये एसिटिल कोलाइन एस्टरेज एक एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइज कर देता है किसको, एसिटिल कोलाइन को, और उसके हाइड्रोलाइज होने के कारण सार्कोलेमा फिर से पोलराइज हो जाती है और रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाती है और फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। साथ ही ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी कैल्शियम रिलीज नहीं कर पाएगा और जो बाइंडिंग साइट्स हैं वहां पे कैल्शियम ज्वाइन नहीं हो पाएगा और वो वापस से कवर्ड हो जाएंगी जो हमारी एक्टिव साइट्स हैं और कोई क्रॉस ब्रिज नहीं फॉर्म हो पाएगा और वहां पे फिर क्या होगा, कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और मसल फाइबर रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो रिलैक्सेशन के भी हम फ्लो चार्ट में देखते हैं कि क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। तब तक अब ये फ्लो चार्ट जो है यदि आप ये याद रखेंगे तो आपको पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो स्टेप्स हैं वो याद रहेंगी। ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन। ओके, तो ये हमने देखे इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन जो था उसमें क्या इवेंट जो है ये हमने देखे कि क्या जो है ब्रीफ में हमने देखा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलैक्सेशन कैसे होता है, एक तो एसिटिल कोलाइन सार्कोलेमा में क्या होता है, एसिटिल एस्ट्रेज होता है, क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है एसिटिल कोलाइन को और क्या करता है, एसिटिक एसिड में हाइड्रोलाइज कर देता है और फिर क्या होता है कि सार्कोलेमा क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है वापस। ठीक है, पोलराइज्ड। साथ ही क्या होता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन रिटर्न टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाय कैल्शियम पंप। व्हाट इज कैल्शियम पंप, कैल्शियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो चले जाते हैं, उसे कहा जाता है कैल्शियम पंप के द्वारा जो है उसका एक्सचेंज हो गया कैल्शियम का। और उसके कारण क्या होता है कि जो कैल्शियम है वो बाइंड नहीं होंगे तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट बैक टू देयर पोजिशन और क्या होगा, नो क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म फॉर्म्स और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल आ रहा है। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं ये क्या करती हैं, सिमिलरली मसल रिलैक्सेशन कराती हैं। ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन भी होना उतना ही जरूरी है मसल्स का जितना कि कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए ये रिलैक्सेशन में क्या क्या हो रहा है कि कैल्शियम पंप के द्वारा कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी बैक पोजीशन में, प्रीवियस पोजीशन में आ गए और वापस उन्होंने क्या किया, एक्टिव साइट को जो है कवर कर लिया, जिसके कारण कोई क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म नहीं हो पा रहे और मसल रिलैक्सेशन में आ गई। ठीक,
साथ ही एसिटिल कोलाइन एसिटेज जो है उन्होंने एसिटिल कोलाइन को क्या क्या हाइड्रोलाइज किया और उसके कारण सार्कोलेमा फिर से पोलराइज्ड हो गई, वापस रेस्टिंग पोटेंशियल में आ गई और जो होल मसल है वो रिलैक्स हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारे इवेंट्स हैं ये किस में हो रहे हैं, हमारे मसल फाइबर्स में, और इस प्रकार मसल को रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन। साथ ही हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस हमने पढ़ा कि भाई जो डेथ के बाद ये कंडीशन जो है राइगर मॉर्टिस, जब एटीपीज एग्जॉस्ट हो जाते हैं बॉडी के तो बॉडी की मसल्स उसी पोजीशन में रह जाती हैं और रिलैक्स नहीं हो पाती और स्टिफ हो जाती है, उसे कहा जाता है राइगर मॉर्टिस। ठीक ठीक है, तो आगे के जो है पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कहाँ से ये एनर्जी जो है मसल रिलैक्सेशन के लिए आ रही है। ठीक, तो ये हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नाउ यू कैन नोट इट डाउन।